से निवेदन करूंगा कि सर वे आए दोस्तों बोले आदरणीय डॉक्टर गंभीर जी। आप सभी को जय श्री राम जय भीम। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की ये एसोसिएशन SC ST एसोसिएशन ने इतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का आयोजन किया है। इसके लिए राजवीर जी, मनोज जी और इसके संयोजक श्री अमर सिंह जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। भारत रत्न से उनको नवाजा गया, उनके लिए बहुत छोटी बात है, मैं तो कहता हूं वो विश्व रत्न है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। आज के दौर में छोटे से वाक्य को मंजर आम यानी कि आम के सामने आने में भी जरा सी देर लगती है, लेकिन उस वक्त में, उस समय में जब हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं थे, इंटरनेट, मीडिया, फेसबुक, ईमेल वगैरह नहीं थे, ऐसे समय में बाबा साहब ने कितने स्ट्रगल किए और उन स्ट्रगल से जूझते हुए उस मकाम तक पहुंचे अमेरिका इंग्लैंड, जहां पर बैरिस्टरी और अमेरिका से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं थी, बाबा साहब ने जब दूसरे देशों का भ्रमण किया, वहां गए तो उन्होंने देखा जैसी हालत मेरे देश की है, यहां भी कुछ हद तक ऐसी हालत है। अमेरिका में रहते हुए अपने एक दोस्त को उन्होंने एक पत्र लिखा, उसने कहा कि मुझे वो फार्मूला मिल गया अपने देशवासियों की निजात का, उनके उन्नति का, और लिखते हैं कि वो फॉर्मूला है कि देश के करोड़ों लोगों को, उनको शिक्षा से जो वंचित है उनको उनमें शिक्षा का प्रसार किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, तभी तो उस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने उन पुराने दिनों को, पिछले दिनों को याद किया और जी तोड़ मेहनत की। कई लाइब्रेरियों में उनके नाम रिकॉर्ड्स हैं कि जो किताब आज शाम को उन्होंने इशू कराई, कल सुबह उसको पूरी की पूरी पढ़ने के बाद उसको फिर जमा कराने जा रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक ऐसी शख्सियत थे, तभी तो उन्होंने शिक्षा की महत्ता को जहन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये किसी खास एक तबके के लिए, किसी खास समाज के लिए नहीं कहा था, पूरे देशवासियों के लिए। क्योंकि जब बाबा साहब ने यह सूत्र हमें दिया, उस वक्त, उस समय हमारा देश गुलाम था और यह मैसेज पूरे देशवासियों के लिए था। आज हम बाबा साहब को अगर सिर्फ SC ST तक महदूद करते, सीमित करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये उनके साथ में नाइंसाफी होगी। बाबा साहब सिर्फ SC ST के लिए नहीं, वो पूरी मानवता के हैं, सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के हैं। उनके जो नजरियात है, उनकी तालीमात है, उनको पूरे विश्व में लागू करने की आज जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा इदारा संगठन UNO के जो महासचिव है वो कहते हैं कि मैंने दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उनको पढ़ा है, लेकिन बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान के पाये का मुझे उसके बराबर का एक भी संविधान नजर नहीं आता। और फिर कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को, उनके भारतीय संविधान को पूरी दुनिया में लागू कर दिया जाए, तो ये भारत के लिए गर्व की बात हो। इसी के साथ मैं अपने भाग को विराम देता हूँ। जय भीम।